मेरे प्यारे फार्मर भाइयों, आज का हम पहला लेक्चर ले रहे हैं ब्रूडिंग मैनेजमेंट इन ब्रॉयलर ब्रीडर मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ब्रूडिंग के लिए जरूरी बातें क्या हैं। सबसे पहली जरूरी बात यह है कि जहां हम ब्रूडिंग कर रहे हैं उसकी लेइंग शेड से दूरी कितनी है, कम से कम 300 फीट के करीब हो। इससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, 300 फीट या 91 मीटर, ठीक है। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो हवा का फ्लो है वो ब्रूडिंग शेड से लेइंग की तरफ जाए। ऐसे ना हो कि आपका ब्रूडर इस तरह का हो, जो आपकी साइट है ऐसी हो जहां लेइंग शेड से हवा ब्रूडिंग शेड की तरफ जाए। आपको इस तरह का केयर करना सबसे पहले। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऑल इन ऑल आउट सिस्टम पे काम करना। ब्रूडिंग में आप एक बार चिक्स डाल लें और उसको सारे को एकदम से निकाल लें, ऑल इन ऑल आउट सिस्टम। ऑल इन ऑल आउट सिस्टम में अगर हम लेइंग में इसको यूज करते हैं तो हमें कम से कम 20 अंडे एक मुर्गी से ज्यादा मिलते हैं। अब ब्रूडिंग करने से पहले हमें क्या करने का है, किन चीजों को करने की ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले प्रॉपर क्लीनिंग, वॉशिंग, बर्निंग, व्हाइट वॉश और फिर आखिरी में थर्मल फॉगिंग। थर्मल फॉगिंग हम किससे करते हैं, X185 और B904 के मिक्सचर से, ठीक है। इसके साथ हमें ये ध्यान रखना है ब्रूडिंग में, खासकर सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि हम सारा पैक कर देते हैं, और पैक करने से क्या होता है, ना तो उसको ऑक्सीजन बाहर से मिल पाती, और दूसरी चीज है जो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दूसरी गैसेस जो लीटर से डेवलप होती है वो वहीं रहती है, उसका जाने का रास्ता नहीं रहता। इसके लिए ये जरूरी है जब भी आप ब्रूडिंग स्टार्ट करें उससे पहले एग्जॉस्ट फैन छोटे साइज के, जैसे आप किचन में लगाते हैं या थोड़े उससे बड़े, कम से कम आप एक 200 फीट का शेड है और 50 फुट चौड़ा है तो उसमें कम से कम दो एग्जॉस्ट फैन लेफ्ट को लगे और दो एग्जॉस्ट फैन राइट की तरफ लगे। इससे क्या होगा कि आपके बर्ड्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मिनिमम रहेगी। तो ये सबसे जरूरी पॉइंट है, आपको इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जो लोग CRD से, माइकोप्लाज्मा से, इकोलाई से, इन चीजों से सफर करते हैं और बार बार ट्रीटमेंट देते हैं, अगर आप लोगों ने इस बात को सुन लिया और इस बात को समझ लिया और स्टार्टिंग में मिनी एग्जॉस्ट फैन आपने इंस्टॉल कर दिए ब्रूडिंग के, चाहे वो गर्मी में है चाहे सर्दी में है, तो आप उससे ये देखेंगे कि आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपके बर्ड्स में मिनिमम रहे। और दूसरा आपको हाइग्रो थर्मामीटर इंस्टॉल करके रखने हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। उसका क्या बेनिफिट है, हम ये देख लेते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है और उसका टेम्परेचर कितना है। हमें सबसे ज्यादा ध्यान रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर देना है। स्टार्टिंग में हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम से कम 65-70% के करीब चाहिए। जितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा वहां ठीक मेंटेन करेगा, बच्चे में डिहाइड्रेशन कम से कम रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में आप लोग अवेयर हो, उसका कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। मेन इश्यू आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। एक सबसे जरूरी पॉइंट है ब्रूडिंग में क्या होता है कि हमें ये चेक करना है कहीं से कोई एंट्री पॉइंट तो नहीं है, कहीं नेवला वगैरह तो घुसने की जगह हो, कोई बिल्ली का छोटा बच्चा हो, कहीं सांप की कोई जगह हो, तो हमें ये एंट्री पॉइंट चेक करके रखना है। सब ध्यान से ये देखना है कहीं से भी इस तरह के कोई पॉइंट तो नहीं रहेगा, कोई बिल वगैरह तो नहीं ओपन है। अब जैसे हमारे पास चिक्स आते हैं तो चिक्स आने से पहले उसको किस किस फेजेस से गुजरना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्री ब्रूडिंग अनअवॉइडेबल स्ट्रेसेस। जैसे सबसे पहले क्या है, जैसे चिक्स वहां निकलते हैं तो सबसे पहले हम वहां देखते हैं भी इसका ग्रेडिंग करते हैं, फिर उसके बाद सेक्सिंग करते हैं, ये देखते हैं मेल अलग और फीमेल अलग, ये सारे काम हैचरी लेवल पे होते हैं। फिर वही डबिंग होती है मेल्स में, तो क्लिपिंग होती है मेल्स में, और MD का वैक्सीन डबल डोज हम लगाते हैं HVT प्लस SV1 हैचरी लेवल पे, और IBH120, ठीक है, ये बीक डिपिंग करते हैं हम, या इसको आई ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं प्री ब्रूडिंग अनअवॉइडेबल स्ट्रेसेज हैं, ये हमें करने ही पड़ते हैं।
और उसके बाद क्या है, जब चिक्स हम सप्लाई करते हैं तो 8-10 घंटे जरूर लग जाते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला भी स्ट्रेस है, ये सारे का सारे स्ट्रेसेस हैं, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। उसके बाद मोर्टेलिटी ड्यूरिंग ब्रूडिंग फेज, ब्रूडिंग फेज में मोर्टेलिटी किस किस कारण से होती है? एक तो योक सैक इन्फेक्शन से, योक सैक इन्फेक्शन है, रिटेंशन ऑफ योक है और ओम्फलाइटिस है। ये तीनों टर्म्स देखने में एक जैसी लगती है लेकिन तीनों बिल्कुल अलग अलग है। योक सैक इन्फेक्शन, आपने सरसों के फूल देखे होंगे, बॉडी के अंदर चिक्स के अंदर 72 घंटे के लिए रिजर्व फूड होता है और वो जो योक है उसका कलर येलो कलर का होता है, सरसों के रंग जैसा होता है। अगर वो ग्रीन कलर में है, डार्क कलर में है, ब्लैकिश है या फैला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये योक सैक इन्फेक्शन है। और इसका बेसिक रीजन होता है कि आपके हैचिंग एग्स हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ठीक है, या फिर आपकी सफाई प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। दूसरा है रिटेंशन ऑफ योक, रिटेंशन ऑफ, अगर 3 दिन से ज्यादा आपके चिक्स में योक रहता है तो उसके भी अलग से कारण है। इसी तरह से ओम्फलाइटिस, ओम्फलाइटिस में क्या होता है, जो नेवल है, ठीक है, उसके ऊपर स्वेलिंग रहती है, तो इस तरह की चिक्स हैं इनकी मोर्टेलिटी डेफिनेटली होती है। और फोर्थ पॉइंट है विसरल गाउट। अब विसरल गाउट ब्रूडिंग स्टेज में शुरू के 3-4 दिन में कैसे कैसे डेवलप होता है, इसमें सबसे पहले है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे होगी, पानी की कमी कैसे होगी, या तो ब्रूडिंग टेम्परेचर ज्यादा है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है या आपका वाटर मैनेजमेंट बहुत पुअर है या आपने पानी के अंदर बहुत ज्यादा दवाइयां दी हुई है जिससे वो पानी कम पीता है। कई बार क्या होता है, कैल्शियम की डोज ज्यादा देते हैं, कोई और टॉनिक दे देते हैं पानी में, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि एक डिजीज है अर्ली चिकन नेफ्राइटिस, इसके भी मल्टीपल रीजन है। कई बार ये अर्ली चिकन नेफ्राइटिस होती है तो इसके अंदर किडनी स्वेलिंग होती है, और एक रीजन है ओक्राटोक्सिन इन फीड। अगर फीड में आपके ओक्राटोक्सिन होंगे तो उसमें विसरल गाउट भी मिलेगा और आर्टिकुलर गाउट भी मिलेगा। उसके बाद है, ये तो वो चीजें थी जो बाय चांस थी। अब उसके बाद वो चीजें हैं जो हम चिक्स में स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं, इंड्यूस स्ट्रेस टू द चिक्स एट फार्म लेवल। कैसे करते हैं हम, जैसे चिक्स आते हैं, चिक्स आने के बाद क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भी चिक्स आते ही हम एमडी का वैक्सीन करेंगे। एमडी का वैक्सीन करने में 5-6 घंटे उसको और लगेंगे, और वो चिक्स क्या रहते हैं, बॉक्सेस के अंदर रहते हैं, और बॉक्सेस में चिक्स रहने से उसमें और स्ट्रेस बढ़ता है। तो आपको इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी, जो बेटर च्वाइस है वो ये है कि पहले आप बॉक्सेस खोलें और चिक्स को नीट एंड क्लीन वाटर दें, ठीक है, उसको बढ़िया एनवायरनमेंट दें, अच्छा उसका एयर सर्कुलेशन रखें और उसको टेम्परेचर प्रॉपर दें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रॉपर दें और ऑक्सीजन लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। अगर आपको मेरेक्स का वैक्सीन करना है तो आप जब चिक्स आपके अच्छे हैं, नॉर्मल स्टेज में है, तब आप उसको दूसरे या तीसरे दिन एमडी का वैक्सीन कर सकते हैं। चिक्स में आते ही आपको एमडी का वैक्सीन बॉक्सेस में बिल्कुल भी नहीं करना। ये हमारी सारी मेहनत, जो डबल डोज हमने मेरेक्स का वैक्सीन दिया था एचडी लेवल पे, वो सारा का सारा हमारा फेल कर देता है, इसलिए आपको इस पे स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। अवॉइड एक्सेसिव मेडिकेशन इन वाटर, स्पेशली कैल्शियम, मीठा सोडा, विनेगर, कॉपर सल्फेट, लीवर टॉनिक, गुड़, दूध, ठीक है, ये सारे बहुत सारे लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ। हमें जरूरत है साफ सुथरे पानी की, और उस पानी में हम क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं, प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी ब्रूडिंग डीप लीटर में है तो डीप लीटर के अंदर क्या करना है, हमें ब्रूडर गार्ड बनाना है सर्कुलर, और उसके अंदर उन बच्चों को पालना है। अब 5 अलर्ट्स हैं ड्यूरिंग ब्रूडिंग फेज। सबसे पहला है कि डेली वाटर मॉनिटरिंग, आपके यहाँ जो पानी जहां से आ रहा है टंकी पे उस पे वाटर मीटर लगाने की जरूरत है, डेली वाटर मॉनिटरिंग की, आज कितना पानी पिया। और स्मूथ वर्किंग ऑफ निप्पल्स, जो निप्पल्स हैं, अगर कई दिनों से आपके फार्म बंद है और जब आपने चिक्स डालने हैं तो उससे पहले आप निप्पल्स पे थोड़े थोड़े दो दो तीन तीन बार उस पे उंगलियां मरवाएं ताकि उसमें से ड्रॉप्स आराम से गिर सके, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है टेम्परेचर मॉनिटर एट मल्टीपल स्पॉट्स इनसाइड द ब्रूडिंग हाउस, ये स्पेशली सर्दियों में जरूरत पड़ती है। और तीसरी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग की, हमें स्टार्टिंग में
55 से कम 65% के करीब रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए और ऑक्सीजन लेवल चाहिए उसको अच्छा। उसके लिए जरूरी है कि आप मिनी एग्जॉस्ट फैन लगा के रखें ताकि शेड में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। और नेक्स्ट है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। शुरू के 3 दिन उसको थोड़ी लाइट इंटेंसिटी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, 70 से 80 लक्स की जरूरत पड़ती है, और वो सारे के सारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि चिक्स को आराम से दिखाई दे, ठीक से वो पानी पिए, ठीक से वो फीड ले सके। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान देने की बात है, जैसे कुछ चिक्स हैं जो डल होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, लंगड़े होते हैं, तो उनको क्या करना, आपको शेड में नहीं रखना उसको, आप इमीडिएटली जैसे ही देखो देखते एक पॉलिथीन में डालो, उसको डिस्ट्रॉय करो। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। उसको कहीं बॉक्स में या किसी अलग केज में रखने की जरूरत नहीं है कि वो अपने आप मरता रहे, क्योंकि वो कमजोर है, वो बीमारियों को पकड़ेगा और बीमारियों को सारे शेडों में आपके फैलाएगा। इसलिए ये एक जरूरी स्टेप है और इसके ऊपर मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं देते। अब नेक्स्ट है आपका जो सबसे जरूरी चीज है, लोग कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब लंगड़े बच्चे ज्यादा निकलते हैं 6-7 वीक पे 5 वीक पे, ठीक है, उसके लिए ये जरूरी है कि आप ब्रूडिंग स्पेस पे प्रॉपर ध्यान दें। स्टार्टिंग में जो आपका केज का साइज यूजुअली रहता है 15x24 के करीब होता है या 16x24, उसमें आपको करना है 8 चिक्स पर केज, शुरू के 7 दिन रखने हैं, 6 चिक्स आपको 14 दिन तक रखने हैं, फिर उसके बाद 4 चिक्स रखने हैं 21 दिन की स्टेज तक, और फिर 28 दिन तक 3 चिक्स, और 28 दिन के बाद भी आप 3 चिक्स 3 बर्ड्स पर केज रख सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट होंगे, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आप आराम से उसको ग्रेड कर सकते हो। दूसरा, उसमें लंगड़े लुले नहीं निकलेंगे, आपको यूनिफॉर्मिटी बहुत बढ़िया मिलेगी, और वो यूनिफॉर्मिटी क्या है, वेट वाइज भी अच्छी होगी और स्ट्रक्चर वाइज भी अच्छी होगी, और इसमें क्या है, लेस नंबर ऑफ लेम बर्ड्स एंड लेस मोर्टलिटी, आपको ये इतने सारे बेनिफिट है। और हमारे पास ब्रूडिंग शेड में केजेस खाली पड़े रहते हैं, ठीक है, और उसके बावजूद भी हम एक केज में ज्यादा चिक्स रहते हैं और हम सफर करते हैं लेमनेस से और दूसरा यूनिफॉर्मिटी से। तो इसलिए इन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। थैंक्स, आपने ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा इंटू सुसेप्शन इन ब्रायलर ब्रीडर। इंटू सुसेप्शन इन ब्रायलर ब्रीडर में क्या है, ये प्रोलैप्स निकलता है 5-6 वीक्स के ऊपर, और ये कॉमन सी प्रॉब्लम है, ये एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।